वेलकम टू अवर चैनल टिंग डॉन्ग गर्ल्स। मैं जानवी, मैं शिवानी और मैं अवनी। सो गाइस, आप देख सकते हो कि आज पूरी टेबल पे रखे हुए हैं वैरायटी ऑफ नूडल्स। आप कोई भी वैरायटी के नूडल्स का नाम लो और वो यहाँ पे हाजिर है। मेरे तो फेवरेट है नूडल्स, और आज यहाँ पे इतने सारे डिफरेंट वैरायटी के नूडल्स रखे तो मन तो मेरा करे सब में से थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर लूं। लेकिन हमको टर्न बाय टर्न बता दे कि किसके सामने क्या रखा हुआ है। सो गाइस, मेरे सामने रखे हुए हैं शेजवान नूडल्स एंड ये रहे हमारे हक्का नूडल्स। आप देख सकते हो उसमें कितनी सारी वेजेस और कितने यम्मी लग रहे हैं। और गाइस, मेरे सामने रखे हैं सिंगापुरी नूडल्स और ये कितने ज्यादा यम्मी लग रहे हैं, विद लॉट्स ऑफ वेजेस और स्पाइसी भी है। एंड इसी के साथ है हमारे मशरूम नूडल्स, इसमें कितने सारे मशरूम है, साथ में बहुत सारी वेजेस है। और गाइस, मेरे सामने रखे हुए चिली गार्लिक नूडल्स, आप देखो कितने ज्यादा डिलीशियस लग रही है देखने में। और उसके बाद यहाँ पे मिक्स वेज नूडल्स, आप देखो इसमें कितने सारे कॉर्न्स है, मशरूम है, कितनी सारी ब्रोकली है। तो ये तो बहुत ज्यादा डिलीशियस होने वाला, काफी टाइम के बाद मैं ये ट्राई कर रही हूँ। सो गाइस, इतनी सारी वैरायटीज ऑफ नूडल्स हमारे सामने रखी है, मतलब टेस्ट का हमारे मुंह में ब्लास्ट होने वाला है। सो गाइस, ये चैलेंज हम इंडिविजुअल बेसिस पे कर रहे हैं एंड देखते हैं कि इस चैलेंज को कौन जीतेगा, कौन सबसे पहले अपने दोनों नूडल्स की प्लेट्स फिनिश करेगा। इतने ज्यादा यम्मी नूडल्स हैं जिनको हमें फटाफट से खाना पड़ेगा, और जो जीत जाएगा वो ऑफकोर्स दो हारने वाले को देगा पनिशमेंट। सो गाइस, देखना ये होगा कि वो पनिशमेंट कौन करेगा हम तीनों में से। लेकिन इससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो गाइस स्टार्ट करें। लेकिन गाइस, चैलेंज स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं बिनोमो के बारे में बताती रहती हूँ। बिनोमो मेरा ऑनेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और इसकी हेल्प से मैं अपने कुछ एक्सपेंसेस बहुत इजीली मैनेज कर लेती हूँ, जैसे कि फूड, मेकअप एंड ड्रेसेस। तो आइए इसको कैसे यूज करते हैं मैं आपको बताती हूँ। सो गाइस, आप लोग देख सकते हो ये मेरे बिनोमो एप्लीकेशन का इंटरफेस। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगी तो यहाँ पे आपको रियल अकाउंट का अमाउंट दिखेगा, 38,881 रुपीज। गाइस, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगी तो यहाँ पे आपको चार टाइप के ऑप्शन दिख जाएंगे। माउंटेन लाइन, कैंडल बार, आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो चूज कर सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे क्रिप्टो IDX मैंने चूज किया हुआ है, यहाँ से आपको एसेट्स के ऑप्शंस आ जाते हैं। उसके बाद गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो ये ग्राफ कंटिन्यूअसली रनिंग है अप एंड डाउन, और यहाँ पे आपको अमाउंट का ऑप्शन दिखेगा। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पे आपको 70 रुपीज़ से लेके 65,000 रुपीज़ तक का ऑप्शन दिखेगा। आप इसमें से कितना भी अमाउंट चूज करके अमाउंट ट्रेड कर सकते हो। मैं यहाँ पे चूज करती हूँ अभी 7,000। उसके बाद गाइस, यहाँ पे आपको बेसिकली प्रिंट करना होता है कि ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको उसके रिस्पेक्टिव बटन्स भी दिखेंगे, अप एंड डाउन के, ग्रीन एंड रेड। तो मैं अभी प्रिंट करूँगी कि ग्राफ जाएगा अप। अब हमको इस रेड लाइन तक वेट करना है, उसके बाद हमको पता चल जाएगा कि हमारी प्रेडिक्शन सही है या नहीं। गाइज, आप देख सकते हो कि मैंने अर्न कर लिया है 12,810 रुपीज़, एंड मेरे रियल अकाउंट में अपडेट भी हो चुका है मेरा अमाउंट। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है, उस लिंक के थ्रू अगर आप बिनोमो एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे तो आपको आपके डेमो अकाउंट में 1,000 USD मिलेंगे, जिसके थ्रू आप लोग ट्रेडिंग करना सीख सकते हो। सीखने के बाद अपने रियल अकाउंट में रियल मनी ऐड करके ट्रेडिंग कर सकते हो। तो फिर देर किस बात की, आप भी अपने कुछ एक्सपेंसेस मैनेज करिए विद द हेल्प ऑफ बिनोमो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो गाइस, रेडी? यस। ओके, 3 2 1 गो।
मेरे सामने नूडल्स रखे हो तो मेरे अंदर पता नहीं एक अलग से ना मोटिवेशन आ रहा था कि ये चैलेंज तो मैं बिल्कुल हाथ से नहीं जाने दे सकती हूँ। और जब मैं नूडल्स खाना शुरू कर दी तो मुझे पता नहीं चलता कब अपने आप अंदर चले जाते और पता नहीं चलता कि मैं कब जीत जाती हूँ। मतलब नूडल्स में सामने मैं हार जो है हो नहीं सकता, ऐसे आज तक हुआ नहीं है डिंगडोंग के इतिहास में। मेरी जो दोनों प्लेट्स के नूडल्स थे वो बहुत टेस्टी थे, बस रह गए क्योंकि ना इसमें बहुत सारी वेजीज थे और मशरूम मुझे नहीं पसंद है, बट इसमें बहुत सारे मशरूम थे और इस वजह से ये मैंने थोड़ा सा कम खाया है और ये बहुत ज्यादा टेस्टी थे। गाइस मेरे भी दोनों प्लेट के नूडल्स बहुत टेस्टी थे और आप लोग देख सकते हो ज्यादा क्वांटिटी बची नहीं है, सिर्फ वेजीज इसकी बची है और ज्यादातर मेजर वेजीज इसकी बची हुई है बस। जल से कर लेते हैं हम अपनी और शिवानी की पनिशमेंट। सो गाइस इन दोनों की पनिशमेंट मैं आपको बता देती हूँ और इन दोनों को भी बता देती हूँ पनिशमेंट है क्या। आप देखो अभी नॉर्मल ऐसे खड़े हुए हैं, इनको करनी है रेस, लेकिन वो रेस कैसे करनी है, वो रेस इनको करनी है ऐसे, ये पैर ऐसे जाएगा पूरा प्रॉपर थाइस ये वाली इस साइड पे और फिर प्रॉपर इस साइड पे, ऐसे नहीं करना है कि ऐसे ऐसे ऐसे, पूरा प्रॉपर ऐसे डिस्टेंस नहीं करना है लेग्स के बीच में ऐसे। मतलब कितना फनी लग रहा है मुझे करने में और जब ये दोनों साथ में करें कितनी फनी लगी यार। गाइस ये तो पूरा जैसे नशे नहीं कर लेते कोई और वो ऐसे 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 करके चलते हैं जैसे चल रही थी, लेकिन जब नशे करते तो आदमी ऐसे 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 चलता है, लेकिन तुमको ऐसे ऐसे नहीं चलना, तुमको सिर्फ ऐसे ऐसे करने से तुम दोनों को लगानी है रेस, ऐसे करते हुए तुम दोनों को लगानी है रेस और फिर देखते हैं कौन जीतता है, आना है और जाना है। चलो शुरू करते हैं, वहां से शुरू करते हैं। सो गर्ल्स रेडी? रेडी। ओके 3 2 1 गो। पीछे नहीं थी, थोड़ी सी ही पीछे थी, ज्यादा पीछे नहीं थी। सो गाइस हमें तो वैरायटी ऑफ नूडल्स चैलेंज करने में बहुत ज्यादा मजा आया और उसके बाद ये पनिशमेंट मुझे देखने में बहुत मजा आया, उतना ही आपको भी आई एम श्योर बहुत ज्यादा मजा आएगा इन दोनों को ऐसे ही ना उछलते हुए देखने में। सो गाइस हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।